नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ग्रीन लाइन न्यूज की ओर से सभी दर्शकों को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी निवर्तमान मुखिया की वित्त शक्तियां खत्म, मनरेगा का पावर अब वीडियो को। झारखंड में ग्राम पंचायतों के सभी निवर्तमान मुखिया को झटका लग गया है। उनके हस्ताक्षर से पंचायतों के बैंक अकाउंट्स के संचालन पर रोक लग गई है। 15वें वित्त आयोग और मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में पेमेंट करने का अधिकार अब उनके पास नहीं रहा। सरकार ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को आगामी 6 महीने के लिए एक्सटेंशन देने का निर्णय जरूर लिया है, लेकिन इससे संबंधित अधिसूचना अब तक जारी नहीं की गई। ऐसे में राज्य में प्रखंड कार्यालयों से इस आशय का आदेश जारी किया जा रहा है कि कार्यकाल पूरा होने की वजह से ग्राम पंचायतें स्वतः विघटित हो गई हैं और इस वजह से ग्राम पंचायतों की कार्यकारी समितियों के प्रधान के माध्यम से सरकारी योजनाओं का भुगतान बंद कर दिया जाए। पंचायतों में रुक गए काम, भुगतान रोकने के आदेश होने से पंचायतों में कामकाज ठप पड़ गया है। मजदूरों से लेकर सामग्री मद में भी भुगतान रुक गया है। 15वें वित्त आयोग की 400 करोड़ से अधिक की योजनाओं का भी काम धीमा पड़ गया है। हालांकि मुखिया यह मांग कर रहे हैं कि भुगतान का अधिकार बरकरार रखा जाए। मनरेगा का भुगतान बीडीओ के हाथ में, मनरेगा के तहत भुगतान का अधिकार भी अब प्रखंड विकास पदाधिकारियों के हाथ में चला गया है। अब मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर से योजना में खर्च के लिए फंड ट्रांसफर ऑर्डर FTO का अनुमोदन संभव नहीं है। गिरिडीह सहित कई जिलों के उप विकास आयुक्तों द्वारा आदेश निकाल कर पंचायतों में मनरेगा से चल रही विभिन्न योजनाओं में किए जाने वाले व्यय का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए करने को कहा गया है। यह अधिकार BDO के पास है। राज्यपाल से अध्यादेश की मंजूरी पर आदेश जारी हुआ। बता दें कि झारखंड में ग्राम पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था को दूसरी बार 6 महीने का विस्तार देने से जुड़े अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इससे संबंधित आदेश जिले और प्रखंडों में नहीं पहुंचा। पंचायतों को मिले पहले एक्सटेंशन की अवधि 7 जुलाई की अर्धरात्रि को ही समाप्त हो चुकी है। 6 महीने के दूसरे एक्सटेंशन में पंचायतों की व्यवस्था अधिकारियों के माध्यम से चलेगी या ग्राम प्रधान की अध्यक्षता की कार्यकारी समितियों के लिए जरिए या क्लियर नहीं हुआ है कि इधर खाता संचालन पर रोक लग गई है। कोरोना के चलते समय पर चुनाव नहीं हुआ। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को ही समाप्त हो गया था। कोरोना के चलते उस वक्त चुनाव संपन्न नहीं हो सका। ऐसे में सरकार ने पंचायतों को पहले 6 माह का अवधि विस्तार दिया और यह कहा कि अप्रैल मई तक चुनाव करा लेंगे। इस बार भी कोरोना संक्रमण के कारण चुनाव नहीं हुआ। हालांकि निवर्तमान आयोग चुनाव की तैयारी कर रहा है। परिसीमन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन किसी भी हाल में दिसंबर के पहले चुनाव संभव नहीं लग रहा।